नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रावल कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एलसीएम एससीएफ हमारा चल रहा है और आज एलसीएम एससीएफ का जो पार्ट है वो 5 नंबर पार्ट मैं यहाँ आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले पार्ट देखे होंगे, अच्छे लगे होंगे। लेकिन एक शिकायत है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। जो भी देख रहा है वो वीडियो को शेयर नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं अपना आपको मोटिव बता चुका हूँ कि मैं उन दोस्तों को मैं सिखाना चाहता हूँ, उन बच्चों को, उन भाई बहनों को जिन्हें बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारी डिटेल्स जितनी हो सकती है उतनी को एफर्ट मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को आप फॉलो कीजिए, जिससे कि और भी लोगों का, और भी बच्चों का, और भी भाई बहनों का भला हो सके, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। देखो, क्वेश्चन लिखा है मैंने बोर्ड पर, 2 क्वेश्चन लिख लिए थे, ठीक है। 4 घंटियां क्रम से 4, 6, 8, 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो चारों एक साथ 12 बजे बजना शुरू करती हैं, ठीक है। चारों एक साथ 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, किस समय बाद वह फिर बजेंगी, मतलब कि एक साथ फिर कब बजेंगी। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है, चाहे वो एक व्रत की बात हो। मान लो कि एक एग्जांपल से मैं ओरली आपको समझाता हूँ कि मान लो कि कोई एक व्रत है, ठीक है, और ए बी सी ने दौड़ना शुरू किया। इस पे ए बी सी दौड़ रहे हैं, ए 15 सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, बी 20 सेकंड प्रति सेकंड की स्पीड से, और सी 30 सेकंड प्रति सेकंड की स्पीड से, ठीक है भाई। तो ए जो है एक इस व्रत को पूरा करने में, और यही मैं पूछ रहा हूँ जो इसमें पूछा है, एक बार एक साथ फिर कब बजेंगी, और मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि वो एक बार पुनः कब मिलेंगे। तो देखो, ए जो है, ए 15 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, दूसरा 30 में कर देगा, तीसरा 45 में, चौथा 60 सेकंड में पूरा करेगा। बी की बात करें तो बी पहला 20 सेकंड में, दूसरा 40 सेकंड में, और तीसरा 60 सेकंड में। सी 30 सेकंड में कर रहा है, तो दूसरा 60 सेकंड में कर रहा है। ये जो 60 आया, यही तो इनका एलसीएम निकल के आया। क्या निकल के आया एलसीएम? मैं कहना ये चाह रहा हूँ इस डायग्राम की मदद से कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें डिस्टेंस दे रखा हो, स्पीड दे रखी हो, ठीक है, तो हमें जो एलसीएम निकालना है वो हमें टाइम का एलसीएम निकालना है, ना कि स्पीड का एलसीएम निकालना है, और हमें स्पीड और डिस्टेंस का एलसीएम नहीं निकालना है। हमें उस स्पीड और डिस्टेंस को कन्वर्ट करना होगा, किस में कन्वर्ट करना होगा, टाइम में, और फिर हम उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन है पहला, जो कह रहा है कि 4, 6, 8, 14 के सेकंड के अंतराल पर, तो यहाँ हमें टाइम गिवन है, यहाँ हमें टाइम दिया हुआ है, तो सेकंड के अंतराल पर बजना शुरू करती हैं और 12 बजे एक साथ बज गई। अब कितनी देर बाद या कितने समय बाद वो एक साथ बजना शुरू करेंगी, तो देखो एलसीएम निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे हम? एलसीएम किसका निकालेंगे? 4 का, 6 का, 8 का, 14 का, ठीक है भाई। और जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 168। ये भी याद रखना है कि किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, तो 168 सेकंड क्या आया इनका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब 168 12 बजे तो वो एक साथ बेल 12 बजे तो एक साथ बजी थी बेल। अब वो कह रहा है कि एवरेज जो आया निकल के, एलसीएम जो आया वो आया 168 सेकंड, यानी कि अब वो जो है चारों घंटियां 168 सेकंड के बाद फिर से बजेंगी। तो जब वो 12 बजे बज चुकी हैं, 12 बजे बज चुकी हैं, 168 सेकंड बाद बजेंगी, तो 168 सेकंड को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट में। तो देखो, आप देखोगे 2 मिनट, ठीक है भाई, और 2 मिनट और 48 सेकंड, यानी कि 12:02:48 पर वह पुनः एक साथ बजेंगी, ठीक है भाई। इतनी सी बात है, अब वो कब बजेंगी? 12:02:48 पर वह पुनः अब बजेंगी। 168 सेकंड को हमने किस में कन्वर्ट किया? मिनट में। 2 मिनट पूरे बन गए, 48 सेकंड रह गए। आपको भी मालूम है कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो गए, 48 सेकंड रिमेनिंग रह जाएंगे। तो जो घंटियां बजेंगी हमारी दोबारा पुनः एक बार, वो 12:02:48 पर बजेंगी, ठीक है। आपको जो याद रखनी है वो इतनी सी बात याद रखनी है कि इस टाइप के क्वेश्चन हो, चाहे वो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो,
चाहे वो स्पीड वाला हो चाहे ये हो, एलसीएम जो निकालना है वो हमें किसका निकालना है, टाइम का। इस बात को आप हमेशा नोट रखिए, बहुत फायदे में रहेंगे आप, ठीक है भाई। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ भी वही क्वेश्चन है, 4 घंटे 30 मिनट, 1 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा 45 मिनट के अंतर से बस्ती है, सभी घंटियां दोपहर को, यहाँ दिया हुआ है हमें दोपहर को, वहां से 12 बजे दिया हुआ था, एक दोपहर के 12 बजेंगे भाई, दोपहर को 12 बजे एक साथ बस्ती है, अब यह पुनः एक साथ कब बजेंगी, ठीक है भाई। तो यहाँ एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ जो हमें टाइम दिया है वो एक परफेक्ट टाइम नहीं दिया है, जैसे ऊपर हमें 4, 6, 8, 14 सारे किस्में थे सेकंड में, लेकिन यहाँ जो हमें टाइम दिया है वो 30 मिनट, 1 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा 45 मिनट। तो हमें सबसे पहले इनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखो भाई मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है, घंटों को मिनट में कन्वर्ट करना ईजिली है और आसान रहेगा। तो देखो भाई 30 मिनट को तो 30 ही मिनट रहेगा, 1 घंटा बोले तो 60 मिनट, 1.5 घंटा बोले तो 90 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट बोले तो 105, ठीक है भाई। ये क्या आ गई, मिनट्स आ गई। अब इनका क्या निकालना है हमें, एलसीएम, और जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे 30, 60, 90, 105 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 1260, कितना आएगा भाई 1260। अब ये किस में आया 1260, ये आया मिनट में, ये जो एलसीएम आया ये आया मिनट में, किस में आएगा मिनट में आएगा, क्यों, क्योंकि हमें जो दिए गए थे उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में कन्वर्ट कर दिया, और हमने मिनट में क्या निकाला अपना एलसीएम निकाल लिया। अब वो पूछ रहा है एक साथ वह पुनः कब बजेंगी, तो हमें 1260 जो मिनट है ना इनको हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब हम इन्हें घंटे में कन्वर्ट करेंगे 1260 होते हैं 21 घंटे, कितने होते हैं 21 घंटे, 21 घंटे ओवर्स, ठीक है 21 घंटे, यानी कि 12 बजे एक साथ बजी थी, अब वो कब बजेंगी भाई, दोपहर के 12 बजे बजी थी, तो 21 घंटे दोपहर के 12 बजे से आप ऐड कर लीजिए तो वो बजेगी सुबह के 9 बजे, 9 कौन से बज रहे होंगे वो सुबह के, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जब हम ऑप्शन से जा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर करते रहिएगा, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, पूरी अच्छे से पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छे से, ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि आपके देखो लाइक और शेयर करने से ना थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ हासिल नहीं होगा, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी अपने आप को कि हाँ भाई लगेगा कि पसंद आ रहा है तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और अच्छा एफर्ट करेंगे। आपको कोई डाउट है तो आप हमसे खुद कह सकते हैं, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 12 तक की सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो। क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 12 तक की सभी सम संख्याओं से, दिख रहा है यहाँ तक, सम संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, यानी कि पूरी पूरी विभाजित हो या पूरी तरह विभाजित हो। देखो ऐसा क्वेश्चन देखा गया है पेपर में, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं देखा गया, मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ठीक है वो मोस्टली पूछे ही गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या, और मैंने अपने पिछले पार्ट में आप लोगों को बताई थी कि जहाँ कहीं न्यूनतम आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, न्यूनतम आ जाए, छोटी आ जाए, कम से कम आ जाए, वहाँ हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। लेकिन फंडा यहाँ है कि एलसीएम किसका निकलेगा, एलसीएम दोस्तों निकलेगा किसका, तो देखो 12 तक, कहाँ तक, 12 तक की सभी सम संख्याओं का। सबसे पहले तो 12 तक की सभी सम संख्याएं हमें नोट डाउन करनी पड़ेंगी, तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, 12 तक की सभी सम संख्या कौन कौन सी होंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यही तो संख्याएं होंगी,
दो चार छ आठ दस बारह, इनका क्या लेना है हमें? एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। और एलसीएम आएगा इनका 120, यानी कि 120 वो संख्या होगी जितनी, 120 वो संख्या होगी 12 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं उनसे ये पूरी तरह विभाजित होगी और 120 ही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? भाई 12 तक की सम संख्याएं पूछी थी, सभी सम संख्याएं ज्ञात करनी है हमें, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 12 तक की सभी सम संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो। तो वो सबसे छोटी, देखो एलसीएम होता भी छोटा है, मैं कई बार इस चीज को बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ, एलसीएम गणित की वो सबसे छोटी संख्या होती है जो दिए हुए नंबरों से पूरी तरह विभाजित होती है, यही एलसीएम की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर यहाँ थोड़ा सा चेंज करते हैं इस क्वेश्चन में, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगर यहाँ दिया हो रहा होता कुछ और, ठीक है, यहाँ होता 12 की जगह मैं कह रहा हूँ 15 तक की सभी विषम, अब करते हैं सम की जगह विषम, विषम संख्या संख्या से पूरी तरह विभाजित, तो 15 तक की सभी विषम संख्याओं से, यहाँ इसका मतलब है संख्याओं, ठीक है भाई, संख्याओं पूरा नहीं लिखा मैंने, संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, 15 तक की सभी विषम संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो। तो देखो दोस्तों करना कुछ नहीं है, जैसे अभी करा था लास्ट वाला क्वेश्चन वही करना है, 15 तक की विषम संख्या नोट करनी है सबसे पहले, 15 तक विषम संख्या कौन कौन सी होंगी भाई, 15 तक की विषम संख्याएं होती हैं हमारी, देखो 1 3 5 7 9 11 13 15, यही तो होंगी 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है, और इनका क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम कितना आएगा इनका 450 45, 450 45 एक वो संख्या होगी जो देखो 1 3 5 7 9 11 13 15, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई, इन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होगी। देखो ऑप्शन से भी बहुत इजी मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, ऑप्शन पे लेके नहीं जा रहा हूँ, कि ऑप्शन से आप इन सारे सवालों को विद इन 5 सेकेंड लगा सकते हो। देखो कोई भी एस सी एफ एल सी एम, एक बहुत फैक्ट बात बताता हूँ मैं आपको, कोई भी क्वेश्चन एस सी एफ एल सी एम पे बिना 3 और 9 के यूज के नहीं बन सकता, अगर आपके डिविजिबिलिटी रूल जो हम नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपको उन पे कमांड है, उनका यूज़ करना आता है कि किस चीज़ को कहाँ लगाना है, अगर आपको वो सारी चीज़ें आती हैं तो एस सी एफ एल सी एम के पूरे तो नहीं कहूँगा लेकिन कहूँगा कि 80 क्वेश्चन आप ऑप्शन से विद इन 10 सेकेंड कर सकते हो। देखो अगर 3 और 9 की डिविजिबिलिटी यहाँ चेक करें तो देखो 3 क्या होता है, सम ऑफ डिजिट होता है 3 की डिविजिबिलिटी, 5 4 9 5 4 9 पूरी तरह विभाजित है, 9 5 4 9 5 4 9 पूरी तरह विभाजित है, अगर जब संख्या 3 और 9 से विभाजित हो रही है तो लाजिम बात है इन सभी से ये संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, इस बार तो क्वेश्चन ही रफ करना पड़ेगा, पूरा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो दोस्तों मेरी कोशिश पूरी यही है कि सब तक हमारा ये एफर्ट पहुँचे, ठीक है, आप लोगों का सहयोग तो चाहिएगा ही, तो आप प्लीज़ अपना सहयोग ज़रूर दें, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा करें जिससे कि आप सभी को उस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप सभी का फ़ायदा होगा, ठीक है, बीच में से छोड़ देंगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 अंकों की, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 70 75 80 से पूरी पूरी विभाजित हो, से पूरी पूरी विभाजित हो, क्या हो, पूरी पूरी विभाजित हो, लगता है इंक डालना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 70 75 80 से पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है भाई। तो देखो एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, मैंने आपको अपने पिछले पार्ट्स में बताया था कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो एचसीएफ, छोटी से छोटी आ जाए तो एलसीएफ, लेकिन यहाँ बड़ी से बड़ी तो आया है, ठीक है,
लेकिन वहां आपने एक चीज नोट करी होगी, वहां अंक नहीं दिए गए होंगे, वहां दी गई होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या या कोई बड़ी से बड़ी माप किसी चीज को मापने के लिए, ठीक है। लेकिन जहां अंकों का खेल आ गया, जहां अंक आ गए, जैसे यहां आ गया 5 अंक, तो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमेशा एलसीएम लेते हैं जो हमें नंबर दिए गए होते हैं उनके, ठीक है। लेकिन एलसीएम से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखो 5 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होगी, जनरली उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगी, 99999, ठीक है। दिए हुए नंबरों का एलसीएम, नंबर कितने दिए हैं, 70 है, 75 है और 80 है, इनका क्या निकालना है हमें, एलसीएम। 70, 75, 80 का हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा भैया 8400। देखो एलसीएम साथ में चलता है, मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 8400। अब आगे करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को आगे कैसे और करना है, तो देखो जो हमारी सॉरी जो हमारा एलसीएम आया है, क्या आया है, एलसीएम हमारा आया है 8400, ठीक है भाई। इससे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या है 9999, इसको डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और एक रिमाइंडर आएगा कहीं जाके नीचे, और रिमाइंडर आएगा आपका 7599, आप करके देख लेना, ठीक है भाई। ये आएगा हमारा शेषफल, क्या आएगा, ये हमारा शेष आएगा, दिख रहा है यहाँ तक, ये क्या आएगा, हमारा शेष आएगा। अब तरीका, अब वो फॉर्मूला, देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको एक, मैं यहाँ समझ लिया, आप ट्रिक समझो या कुछ भी समझो, मैं एक छोटी सी चीज आपको यहाँ बताता हूँ, डिजिट नंबर्स बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या हो सकती है, या ऐसे नहीं, इसको और दूसरे तरीके से लिखते हैं, अंकों की संख्या, ये जो फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं इस कॉलम में, ये बड़ी से बड़ी संख्या पे काम करेगा, 5 अंकों की पे, कितनी पे, बड़ी से बड़ी हो क्वेश्चन में और 5 अंकों की हो, अंकों की संख्या माइनस शेषफल, माइनस शेषफल, बस इतनी सी चीज है, क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो अंकों की संख्या कितनी थी, अंकों की संख्या कितनी थी, यही थी, शेषफल कितना आ रहा था, 7599, देख लें भाई शेषफल हमारा सही है, 7599, ठीक है भाई, शेषफल इतना ही आएगा, और इसको जब हम घटाएंगे तो एक नंबर आएगा 9240, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा गच्चा खा जाते हैं कुछ दोस्त हमारे या हमारे स्टूडेंट्स, कि होता क्या है कि वो 5 अंकों की संख्या नहीं गौर करते हैं, वो गौर कर रहे होते हैं बड़ी से बड़ी पे, और लग जाते हैं 70, 75, 80 का एचसीएफ निकालने में, ठीक है भाई। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उम्मीद है कि अब आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, जिसको आता है उन्हें तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता, हमारा मोटिव तो उनके साथ है, जिन्हें आता है वो तो ठीक ही है, और जिसको नहीं आता है हम उन लोगों के लिए अपना एफर्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो आंसर जो आएगा 9240 आएगा, 9240 5 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या है जो 70, 75, 80 इन तीनों से पूरी तरह विभाजित होगी। आप इस चीज को करके देख सकते हैं, ठीक है भाई, डिवाइड करके, और आप पाओगे कि वो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या थी वो यही थी जो 70, 75, 80 से पूरी तरह विभाजित होगी, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन का टाइप कैसा है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसमें बड़ी से बड़ी की जगह आप करेंगे छोटी से छोटी संख्या, और यहाँ नंबर्स चेंज करेंगे, ठीक है भाई। तो 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो नंबर्स दिए हुए हैं 10, 15, 20, 10, 15, 20 से पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो, बस इतनी सी बात है। एक बार नंबर चेक कर लेते हैं, 10, 15, 20 से पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है भाई। यहां आपने देखा, पहले देखा था बड़ी से बड़ी थी, इस बार हो गया छोटी से छोटी, संख्या ज्ञात करो जो 10, 15, 20 से पूरी तरह विभाजित हो। तो देखो जो हमने पहले क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन में फॉलो किया था वही करेंगे, यहाँ क्या था, वहां थी बड़ी से बड़ी संख्या और यहाँ दी है हमें छोटी से छोटी संख्या,
तो छोटी संख्या क्या होगी, पांच अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, 1000, यही तो पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। एलसीएम निकालेंगे हम, किसका, एलसीएम ऑफ 10, 15 और 20 का, और एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 120, नहीं सॉरी 60 आएगा, 20, 10 सबसे बड़ी संख्या 20, कॉमन क्या है, ठीक है हाँ भाई, एलसीएम जो आएगा वो 60 आएगा। एलसीएम और एचसीएफ मैंने निकालने अपने फर्स्ट पार्ट में बताए हैं, जिनको नहीं आते हैं वो वहाँ देख सकते हैं कि एलसीएम को कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई। एलसीएम साथ में भी चलता है, ये भी बात मैंने बेसिक से भी बताया है बिल्कुल, और ये भी बताया है कि ऐसे कैसे हम निकाल पाएंगे। तो एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है भाई। अब हमें करना क्या है, हमारा प्रोसेस वही होगा कि हमारी जो सबसे पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो हमने निकाली थी, रखी थी, उसमें हम अपने एलसीएम से भाग लगाएंगे, और फिर जो एक आएगा शेषफल वो आएगा इस क्वेश्चन का 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आएगा। एक और तरीके से इन चीजों को किया जा सकता है, गुणज मान के, ठीक है, भागफल जो आ रहा होगा उसके गुणज, ठीक है, गुणज, ठीक है, उससे भी इसको करा जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं उससे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको छोटे से छोटा तरीका निजात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता होगा, ऐसी बात नहीं है नहीं पता, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें पता है अगर भूल गए तो उनको शायद रिवाइज हो जाए, ठीक है भाई। अब करना क्या है, यहां तक बात समझ में आ गई, छोटी संख्या एलसीएम ऑफ 10, 15, 20 आ गया 60, 60 ही एलसीएम है 10, 15, 20 का, बिल्कुल। डिवाइड करना है इसको, एलसीएम शेष आ जाएगा 60। यहाँ एक अलग चीज आएगी, यहाँ एक अलग चीज आएगी, यहाँ मैं कहूंगा छोटी छोटी संख्या, मैं एक ट्रिक ही समझिए आप इसे, छोटी संख्या प्लस भाजक, भाजक कितना है, एलसीएम जो है, या तो भाजक कह लो या मैं कह दूं इसे एलसीएम, आप कुछ भी समझ लें, ठीक है। मैंने दोनों चीजें लिख रखी हैं यहाँ, एलसीएम माइनस शेष, माइनस शेष। तो देखो भाई, छोटी संख्या क्या थी, पांच अंकों की, पांच अंकों की छोटी संख्या कितनी थी, पांच अंकों की छोटी संख्या, दिख रहा है यहां तक, ठीक है, यही थी। मेरा एलसीएम कहूँ या मैं, देखो यहाँ से देखूंगा तो भाजक है और यहाँ से देखूंगा तो एलसीएम है, तो 60 था, माइनस शेषफल कितना रहा था, 40, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आएगा 10020, और 10020 वो छोटी से छोटी संख्या होगी पांच अंकों की, 10020 यही मेरा आंसर है, 10020 वो छोटी से छोटी संख्या होगी पांच अंकों की, जो 10 से 15 से 20 से पूरी पूरी विभाजित हो रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, जिससे कि आप सभी लोगों को और फायदा हो सके, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।